श्रोताओं आज की पहेली पूछी है श्रीमान बाबूलाल जी सीकर वाले जिनकी ड्यूटी दूध तलाई चित्तौड़गढ़ में है। इनकी पहेली इस प्रकार है, दुल्हन के हाथ में है वरमाला, दूल्हे के हाथ में कौन सी माला है। श्रोताओं आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल, बोलो जय श्री राम। हमारे नए श्रोताओं से मेरा निवेदन है, आप जुड़ तो जाते हो लेकिन पहेलियां आप भी पूछो, हम प्रयास करेंगे आपकी पहेलियों का जवाब देने का। और आप हमसे हिंदी में पहेलियां पूछिए, आप अंग्रेजी में अगर कोई पहेली लिखते हैं तो वो समझ में नहीं आती है, इसलिए आप पहेली को हिंदी में लिखिए, तब हम आपकी पहेली का जवाब देंगे। तो श्रोताओं अब हम श्रीमान बाबूलाल जी सीकर वाले जिनकी ड्यूटी दूध तलाई चित्तौड़गढ़ में है की पहेली का जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। दुल्हन के हाथ में है वरमाला, दूल्हे के हाथ में कौन सी माला। बहुत ही अच्छी पहेली श्रीमान बाबूलाल जी की। तो श्रोताओं आप वीडियो को पूरा देखना और अंत तक आपको इसका जवाब लग ही जाएगा। ये कह रहे हैं कि जब दुल्हन वरमाला लेकर आती है तो दुल्हन के हाथ में जो माला होती है उसका नाम वरमाला ही है, लेकिन दूल्हे के हाथ में कौन सी माला होती है। तो श्रोताओं हमने बहुत सी मालाओं का अध्ययन किया, हम जब मालाओं का अध्ययन करने लगे तो हमने देखा भगवान की श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला पड़ी हुई है, सरस्वती के गले में स्फटिक माला पड़ी हुई है, हमने और भी मालाएं देखी। दूल्हा जब दूल्हा बनकर आता है तो उसके गले में नोटों की माला पड़ी रहती है। श्रोताओं महादेव और पार्वती के गले में मुंडमाला पड़ी हुई है, माला तो बहुत है लेकिन अब यहाँ जो पूछा जा रहा है वो दूल्हे के हाथ में कौन सी माला है। तो श्रोताओं भगवान राम और सीता का स्वयंवर जारी था तो माला तो सीता लेकर भी आई थी, सीता ने जो माला डारी थी वो तो वरमाला ही थी, लेकिन भगवान श्री राम के गले में जो डालने के बाद में भगवान श्री राम ने जो माला डाली थी सीता जी के गले में वह कौन सी माला थी। विवाह तो भगवान शिवशंकर और माता पार्वती का भी हुआ था, पार्वती ने तो भगवान शिवशंकर के गले में जो माला डाली थी वह माला वरमाला ही थी, लेकिन भगवान शिवशंकर ने जो माला पार्वती जी के गले में डाली वह माला कौन सी माला थी। श्रोताओं माला तो बहुत हैं लेकिन यहाँ बहुत ही अटपटा प्रश्न। तो श्रोताओं पुराने समय की बात है, बड़े बड़े स्वयंवर बनाए जाते थे, बड़े बड़े स्वयंवर लगाए जाते थे, लड़की को माला दे दी जाती थी और लड़की अपना वर चुनती थी और जो वर लड़की को पसंद आ जाता था तो लड़की उसी के गले में माला पहना देती थी, लेकिन बदले में जिसको वह चुनती थी वह भी तो माला पहनाता था। तो आखिरकार वही माला की हम बात कर रहे हैं। तो श्रोताओं लड़की जिस वर को चुनती थी वो हजारों लाखों में से एक होता था, क्योंकि उस लड़की का वरण करने के लिए बहुत से लोग पधारते थे, अधिक संख्या में लोग आते थे, लेकिन लड़की केवल एक ही को चुनती थी, जैसे सीता ने भगवान श्री राम को चुना था। बहुत सारे
योद्धा आए थे, रावण भी आया था उसमें, लेकिन सीता जी ने चुनाव किसका किया? भगवान श्री राम का। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण क्या था कि सीता जी ने भगवान श्री राम को ही चुना? क्यों चुना? तो उसमें एक शर्त लगी हुई थी, यदि कोई इस धनुष को उठा करके और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो वही सीता जी का वरण करेगा। श्रोताओ, शायद वहां बहुत सारे लोग गए हुए थे। यहाँ तक है, रावण ने तो खूब प्रयास किया लेकिन धनुष के नीचे उंगली दब गई। डूब मरो थोड़े जल में, रावण की उंगली तो धनुष के नीचे ही दब गई थी, रावण पर वो धनुष उठा ही नहीं। तो फिर अन्य राजाओं ने भी प्रयास किया लेकिन अन्य राजा भी खूब प्रयास करने के बाद में उस धनुष को नहीं उठा पाए, तो विजय श्री किसकी हुई? श्रोताओं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिर विजय श्री किसकी हुई? तो विजय श्री में सफल हुए भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया और उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़ भी दिया। तो इसमें विजय श्री किसको मिली? इसमें विजय श्री मिली भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम को विजय श्री मिलते ही सभी राजा लोग, दशरथ जी भी भगवान श्री राम की तरफ देखने लगे। सखियां मंगलाचार के गाने गाना लगी। तो श्रोताओं, अब हम उस माला को बताते हैं कि सीता जी ने तो जो माला डाली थी वह माला परमाला थी, लेकिन भगवान श्री राम ने जो माला सीता जी के गले में पहनाई वो वरमाला नहीं, वो विजय माला थी, अर्थात विजय श्री प्राप्त की थी। तो पुराने जमाने में स्वयंवर होते थे और जो दूल्हा बनता था वो विजय माला पहनाता था और स्त्री होती थी जिसका वह वरण करता था, वो स्त्री जो माला डालती थी वो वरमाला होती थी और दूल्हा जो माला गले में डालता था वो वरमाला ना होकर के विजय माला होती थी। तो दूल्हे द्वारा पहनाई जाने वाली माला विजय माला थी। तो श्रोताओ, अब आपकी समझ में आ गया होगा, दुल्हन के हाथ में है वरमाला, तो दुल्हन के हाथ में वरमाला होती थी, दूल्हे के हाथ में कौन सी माला? तो दूल्हे के हाथ में विजय माला होती थी। अब हम आपसे लेते हैं विदा, बोलो जय श्री राम।